बिल्कुल फ्रेंड्स, एडवांस स्पेशल के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया था किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैज्ञानिकों ने निकाला कि वो प्रेशर होता कितना है ना। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आई कि हम अपने फायदे के लिए, हम अपने इस्तेमाल के लिए, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, हाँ, वायुमंडलीय दाब को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम प्रेशर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो वैज्ञानिकों ने दो प्रकार के चेम्बर्स बनाए। ठीक है, प्रेशर को यहाँ पर दो प्रकार के चेम्बर में बनाना सीखा अपने फायदे के लिए। और क्योंकि चेम्बर में बनाया गया जो प्रेशर होगा उसको आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हमको कम प्रेशर चाहिए तो हम कम कर सकते हैं, और अधिक प्रेशर चाहिए तो अधिक कर सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों? देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि जैसे कि हमने पहले वीडियो में, अगर आपने देख लिया होगा, तो हमने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है ना। ये अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या होगा, अधिक होगा तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। मान लीजिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लो हमें पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम करके 80 डिग्री सेल्सियस ही करना हो, 80 डिग्री सेल्सियस ही करना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, उसको लेकर पहाड़ पे थोड़ी ना भाग जाएंगे। आप सोच के ही देखो, बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए पहाड़ पर भाग जाना, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है ना, नहीं गाइड किया जा सकता। तो इसको किस तरह से हम लैब में कर सकते हैं, इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर को दो पार्ट में डिवाइड किया, हाँ, दो भागों में बांट दिया, एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर। अब उन्होंने इसके लिए एक इक्विपमेंट बनाया, एक चेम्बर्स बनाए, ठीक है, सॉरी, दो प्रकार के अलग अलग चेम्बर बनाए। एक एक हाई प्रेशर चेम्बर जो कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए ये पूरी तरह से सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलेंडर जैसा, जो पूरी तरह से एकदम पैक होता है, आगे से जो दरवाजा भी लगा होता है उसको पेच की सहायता से कसा जाता है ताकि किसी भी तरह से इसके अंदर अगर हाई प्रेशर बनाया जाए तो हवाएं, हाँ, लीक ना हो, जो गैसेस इसके अंदर भरी जा रही हो वो तनिक भी बाहर ना आ रही हो, लीक ना हो, ठीक है। और दूसरा होता है लो प्रेशर, ये लो प्रेशर चेम्बर है। लो प्रेशर चेम्बर में देखो, दरवाजों में रिवेट की, पेच की जरूरत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि लो प्रेशर कैसे बनाया जाता है, हवाओं को बाहर निकाल कर, हवाओं को जब निकाला जाएगा तो उसके अंदर ही खिंचाव होगा, खिंचाव होने की वजह से जो दरवाजे हैं वो अपने आप चिपक जाएंगे, है ना, वैक्यूम के, वैक्यूम फोर्स की वजह से दरवाजे क्या होंगे, अच्छे से चिपक जाएंगे, जिसके वजह से इसमें क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर इनके दरवाजे क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी बनाए जा सकते हैं, क्या, हाँ, ताकि हम आसानी से देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। तो इन्हीं दो प्रकार की प्रेशर टैंकों का आज हम अध्ययन करेंगे, किस तरह से वो काम करते हैं, ठीक। तो जैसा कि ये जो प्रेशर टैंक होते हैं, ठीक, हाई प्रेशर टैंक, ये सिलेंड्रिकली क्यों होते हैं? देखो, सिलेंड्रिकली होने का मतलब ये है कि इनमें जो गैस होगी, जो भी चीज भरा जाएगा, उसके द्वारा जो प्रेशर है वो चारों तरफ एक बराबर फैल जाता है, हाँ, चारों तरफ इक्वल फैल जाता है, जिसके वजह से इनके फटने का चांस नहीं होता है, ठीक। यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, जो सिलिंड्रिकल इक्विपमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को हैंडल करने के लिए, क्यों? क्योंकि प्रेशर का एक छोटा सा भी धमाका काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टैंक है, हाई प्रेशर टैंक, मान लो एक छोटा सा इस्तेमाल करना जानते हैं, हाई प्रेशर टैंक का हमें जरूरत क्यों पड़ा? आपने कभी अपनी घड़ी देखी है, डिजिटल वॉच, है ना, जो भी आप सुई वाली, काटे वाली, नंबर वाली, जिस भी प्रकार की घड़ी लगाते हो, उसमें कभी ना कभी आपने देखा होगा, लिखा होता है कि 10 मीटर या 50 मीटर तक पानी में डुबो देने पर भी ये घड़ी क्या वाटर प्रूफ रहेगी, है ना। 10 मीटर या 50 मीटर पानी की गहराई में भी डुबो देने पर ये घड़ी लगभग 30 मिनट तक, 40 मिनट तक चलती रहेगी, इस पर कोई असर नहीं होगा। तो आपने कभी सोचा है ये चेक कैसे किए होंगे? ऐसा तो है नहीं, घड़ी बनाने के बाद कंपनी वाले उसको लेकर समुद्र में, पानी में
30-40 मीटर अंदर गहराई में डाल दिए होंगे। नहीं, उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रेशर टैंक का इस्तेमाल किया। अब वो कैसे, देखो हमारे एटमॉस्फेयर द्वारा जो प्रेशर लगता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन क्योंकि पानी के अंदर अगर हम जाते हैं, ठीक है, पानी के अंदर जाते हैं तो हर 10 मीटर, हाँ वैसे हर 10.3 मीटर की अगर गहराई में हम चले जाते हैं तो हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। वो क्यों, क्योंकि पानी हवा के मुकाबले काफी ज्यादा डेंस है, काफी ज्यादा गाढ़ा है कह सकते हो। इसीलिए पानी में अगर हम 10 मीटर भी नीचे जाते हैं तो हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरह से अगर हम किसी घड़ी को पानी में 40 मीटर अंदर तक डुबो दें, 40 मीटर अंदर तक डुबो दें, तो हम कह सकते हैं कि उस घड़ी पर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स पड़ रहा है। अब 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे, 10 10, हाँ 40 हुआ तो 4 ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, नहीं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपके एटमॉस्फेयर द्वारा भी तो पड़ रहा है कि नहीं। इसीलिए तो यहां पर किया क्या जाता है, तो इस चेम्बर में घड़ी को, हाँ, या भी जो भी इक्विपमेंट हो जिसको हम वाटरप्रूफ चेक करना चाहते हैं, है ना, वाटरप्रूफ है या नहीं चेक करना चाहते हैं, मान लो घड़ी को रख लिए, ठीक है, इक्विपमेंट को भी चेम्बर में रख देते हैं। अब चेम्बर में रखने के बाद इसमें थोड़े बहुत से पानी भर देते हैं कि जिससे वो इक्विपमेंट डूब जाए, इसका मतलब ये नहीं पूरा पूरा क्या पानी भर दे। अब उसके बाद यहाँ पर हवाओं को, गैसेस को भरा जाता है। अब भरते 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 यहाँ पर एक घड़ी जैसा कुछ इस तरह से PSI मीटर एक गोल सा लगा होता है जिसमें हम देखते रहते हैं कि कितने PSI तक का प्रेशर अंदर बन रहा है। अब धीरे 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 ये PSI मीटर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, हमको पता चलता रहता है कितना प्रेशर है। अब जहां पर भी हमको PSI, मान लो हमको 80 PSI तक का यहाँ पर प्रेशर चाहिए, कितना, 80 PSI, 80 PSI तक का प्रेशर चाहिए, तो जहां इस घड़ी पर 80 PSI शो करने लगता है, हम तुरंत यहाँ से वॉल्व क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। वॉल्व बंद करने पर इस टैंक के अंदर का जो प्रेशर होगा वो 80 PSI बना रहता है, जिसके बाद हम क्या करेंगे, हमको जितने घंटे तक की इसकी जांच करनी है हम आराम से कर सकते हैं, है कि नहीं। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर 80 PSI के फोर्स पर ये आसानी से, ठीक है, 80 PSI जो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, सॉरी फोर्स कह दीजिए, प्रेशर लग रहा है, इतने फोर्स पर अगर ये घड़ी 1-2 घंटा चल जाती है, आराम से काम करती रहती है, तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग 3 या 4 या 5 वायुमंडलीय दाब पर, ATM पर ये घड़ी खराब नहीं होगी, है ना। इसी तरह से इसका वाटर प्रूफिंग चेकअप होता है। जो पानी में गोता लगाने वाले ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, जो स्विमर्स होते हैं, वो भी जब गहराई में जाते हैं तो क्या होता है, उनका जो इक्विपमेंट होता है, जो कैमरा वैमरा होता है, डिस्कवरी कभी देखे होंगे, तो डिस्कवरी में देखे होंगे ना, वो लोग बड़े बड़े कैमरे को लेकर चले जाते हैं। असल में वो कैमरा होता कौन सा है, कोई अलग से कैमरा नहीं होता है, वही जो कैमरा आप फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं वही कैमरा होता है। असल में उस कैमरे को एक सेल में, क्या, एक कवर के अंदर डालकर तब ले जाया जाता है। वो कवर इतना स्ट्रांग होता है, इतना मजबूत बनाया जाता है कि उसके अंदर तनिक भी पानी ना जाए। क्यों, क्योंकि अगर पानी चला जाएगा तो कैमरा खराब हो जाएगा, और क्योंकि समुद्र के अंदर जाते 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 प्रेशर बढ़ता जाता है, और प्रेशर को हैंडल करने के लिए कैमरा बना नहीं होता है। हमारा जो कैमरा होता है वो लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही ठीक काम कर सकता है, जहां प्रेशर बढ़ा उसका फ्यूल उड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या करते हैं, उसको कवर के अंदर डालकर अच्छे से पैक करके तब उसको पानी के अंदर ले जाते हैं, और वो कवर की जांच भी इसी प्रकार के टैंकों में ही होती है। काफी प्रेशर बढ़ा देंगे और देखेंगे कि टैंक के अंदर जो कवर है, ठीक है, हाँ, इस चेम्बर के अंदर जो कवर है वो देखेंगे कि वो कवर के अंदर कहीं पानी पहुंचा या नहीं। अगर पानी इसके अंदर नहीं पहुंचता तो समझ लो वो बहुत अच्छी तरह से वाटर टाइट है, और वो कैमरे को भी बचा लेगा काफी गहराई में। अगर उसके अंदर पानी चला जाता है तो मतलब खराब है, सिंपल है कि नहीं। तो इस तरह के टैंकों का, देखो यहाँ पर प्रेशर, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं नहीं बोल रहे ज्यादातर, है ना, यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ वो प्रेशर है। देखो क्लास 9th में एक हेडिंग मिलेगी आपको पहले चैप्टर में, वो है प्रेशर। हमने प्रेशर की जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ाया आपको, क्यों पढ़ाया, ताकि आप जानते रहो किस तरह से उसकी शुरुआत हुई प्रेशर की, ठीक है, और वैज्ञानिकों ने किस तरह से अपने इस्तेमाल के लिए उसको इस्तेमाल करना सीखा,
तो ये रहा हाई प्रेशर का। एक हाई प्रेशर टैंक आपके घर में भी होगा क्या? कुकर? अरे कुकर का इस्तेमाल करते हो, हाई प्रेशर टैंक ही तो है, उसमें करते क्या हो आप? हाँ सब्जियां डालें, सब्जियां डालने के बाद उसमें पानी डालते हो, पानी डालने के बाद बंद कर देते हो। अब उसके अंदर जब सब्जी उबलती है, सॉरी पानी उबलता है, पानी उबलता है तो पानी का वेपर बनेगा, भाप बनेगा। अब भाप क्योंकि कुकर के बाहर निकल नहीं पाती है तो उसी के अंदर घूमती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन क्या होता है, गर्मी की वजह से भाप और ज्यादा बनती है, जिसकी वजह से कुकर के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है ना, कि वो लगभग 121 डिग्री तक पहुंच जाएगा। कितना? 121 डिग्री सेल्सियस तक। अब इतने डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो कितना होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो प्रेशर हुआ कुकर का अधिक हो गया। कितना? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर PSI में लिखेंगे तो 14.69 PSI आएगा, है ना। लेकिन 21 डिग्री सेल्सियस पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हुआ कुकर के अंदर का, सॉरी कुकर के अंदर का प्रेशर कितना हुआ, ये लगभग 17 PSI तक पहुंच जाता है। ठीक है, देखिए बढ़ गया, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर बढ़ जाएगा तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा, इसीलिए कुकर में जल्दी खाना पक जाता है। आपने कभी देखा होगा ना, चाय बनाते हुए मम्मी कहती है ढक दो, ढक देने से वो जल्दी पक जाएगा। क्यों? क्योंकि ढक देने से उसके अंदर का जो प्रेशर है ना वो बढ़ जाता है। अब प्रेशर बढ़ जाने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब जो चीज 100 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट पकने वाली थी, वही चीज 121 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट से कम समय में पक जाएगी, है कि नहीं? सिंपल। तो इतना आप समझ गए होंगे। तब हमारी जो अगली हेडिंग है वो है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हाई प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाई प्रेशर वाला जितनी हेडिंग्स है उसको कवर कर लेते हैं। देखो कोल्ड ड्रिंक बनाने में, अब कोल्ड ड्रिंक बनाने में कैसे, देखो कोल्ड ड्रिंक जब खोलते हो तो उसमें से हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिलाई कैसे गई होगी, इन्हीं प्रेशर टैंक की मदद से। करते क्या है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में उसको भरने से पहले क्या करते हैं, जो मीठा मीठा सिरप होता है, जो कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर वाला जो पानी होता है, उसको टैंक में भर देते हैं। अब टैंक में भरने के बाद उसमें जैसे हमने यहाँ पर प्रेशर करने के लिए क्या गैसेस को भरा, उसी तरह यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को भरते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को लगभग 60 से 70 PSI पर। लेकिन साथ ही साथ हमें ये ध्यान में रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। तो क्योंकि ये गैस है, गैस को पानी में, मतलब हमारे कोल्ड ड्रिंक का जो सिरप है, ठीक है, जो शरबत है यहाँ पर, उसमें डिजॉल्व करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना होगा, इसीलिए इसका जो टेम्परेचर होता है वो -50 से -60 डिग्री सेल्सियस तक कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। अब इस प्रेशर टैंक के अंदर जब उसको इतना ठंडा करके 60 से 70 PSI पर जब कार्बन डाइऑक्साइड को भरते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो सीरप है, जो कोल्ड ड्रिंक का जो मीठा तरल है, उसमें क्या होता है, मिक्स होने लगता है। अब मिक्स होते होते इस प्रोसेस को, ठीक है, कार्बोनेशन कहा जाता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को कार्बोनेटिंग ड्रिंक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। और आप जब भी मार्केट में ले आओ, है ना, मार्केट से जब ले आते हो कोल्ड ड्रिंक को, बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको हिला देते हैं। हिलाने की वजह से क्या होता है, जैसे ही खोलते हो बहुत तेजी से प्रेशर रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ठंडे होने की वजह से जब बैठ जाती है ना, जब नीचे तली में बैठ जाती है, अब आप जब हिला देते हो तो उसके बुलबुले तैयार हो जाते हैं, वो दोबारा एक्टिव हो जाएगी। और एक्टिव होते ही जैसे आप खोलते हो वो इतनी झटके से बाहर आती है कि उसके साथ साथ जितना कोल्ड ड्रिंक है वो भी बाहर आ जाता है कि नहीं? तो यही रीजन है कि कोल्ड ड्रिंक को क्या हाई प्रेशर एरिया पर बनाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और कोई गैस का क्यों नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर काफी स्टेबल गैस है और इससे आपको नुकसान भी नहीं पहुंचता है, और इसको आसानी से पानी में डिजोल्व मतलब मिलाया जा सकता है। देखो 60 से 70 PSI पर, देखो लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -50 से 60 डिग्री सेल्सियस। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिजॉल्व होने की क्षमता है, ठीक है, वो बढ़ जाती है, मतलब और ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व हो सकती है, मतलब घुल जाएगी किसमें, कोल्ड ड्रिंक में। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोल्ड ड्रिंक में घुल जाती है, तो यहाँ पर इस कोल्ड ड्रिंक को जिस बोतल में हम पैक करते हैं, याद रखो जिस बोतल में हम पैक करते हैं उस बोतल को भी वो प्रेशर हैंडल करने लायक बनाना होता है। ऐसा नहीं है किसी भी बोतल में हम कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेटिंग ड्रिंक को भर दें। ऐसे में जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, मतलब रूम टेम्परेचर पर आएगा। रूम टेम्परेचर पर आने का क्या मतलब है, वो धीरे धीरे गर्म होगा, फ्रीजर में नहीं रखा गया है तो वो फैलेगा। अगर वो बोतल इतना कैपेसिटी का नहीं हुआ कि उसके प्रेशर को सहन कर पाए तो वो फट जाएगा। हाँ, इसीलिए जो बोतल डिजाइनिंग, जो पैकेजिंग कंपनियां होती हैं, वो बोतल के लिए खास तरह के डिजाइन का इस्तेमाल करती हैं। आपने कभी देखा है बोतल के नीचे, हाँ, कुछ इस तरह की डिजाइनिंग, देखो बोतल देखे मुझे पानी आ गया, कितना मत करो, मैंने पी लिया है, सॉरी मैंने पी लिया है। तो कंपनियां कुछ इस तरह का डिजाइनिंग इस्तेमाल करती हैं। ये डिजाइनिंग किस लिए होता है आप सोचते रहोगे, ताकि हम कोल्ड ड्रिंक कम भर सकें। या बोतलों में आपने देखा होगा इस तरह से डिजाइनिंग बनी होती है, नीचे से ऐसे थोड़ा गहरेपन भी होता है ना, थोड़ी खराब ड्राइंग बन गई है कि नहीं। ये किस लिए, ये असल में प्रेशर को सहन करने के लिए बना होता है, ताकि प्रेशर को ये झेल सके और आपको पकड़ने में भी अच्छा लगे। पैकेजिंग जो कंपनियां होती हैं काफी ज्यादा मेहनत करती हैं प्रेशर को हैंडल करने के लिए। ये जो डिजाइनिंग बनी होती है, और ये जो डिजाइन बनी होती है, ठीक है, ये जो डिजाइनिंग होती है ये प्रेशर को हैंडल करने के लिए बनी होती है, नहीं तो ये प्रेशर से फट जाएंगी। समझ में आया। और ये इतना बनाने पे इन पे दो चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाता है, एक ये आपके हाथ में कैसा लगेगा, जी हाँ, ये आपके हाथ में ये बॉटल पकड़ने में कैसा लगेगा, सुंदर भी दिखना चाहिए, नहीं तो आप खरीदोगे नहीं, है कि नहीं। और दूसरी बात, वो बॉटल ऐसा होना चाहिए कि वो उस प्रेशर को झेल सके, ऐसा नहीं हो कि खोलते ही आपके मुंह में फट जाए। और सोचो कभी ये जो डिजाइन है ये कहाँ से लिया गया है, शिमला मिर्च से। हाँ, शिमला मिर्च, कभी आपने देखा है ना शिमला मिर्च की, अगर नीचे का डिजाइन देखो वो भी इसी तरह होता है, वो भी काफी प्रेशर हैंडल करने के लिए बना होता है। सोचो ये सब जो डिजाइनिंग आई, जो इंजीनियरिंग की डिजाइन है, ये सब हमारी प्रकृति से ही ली गई है, मतलब नेचर से ही ली गई है। अभी नहीं समझ में आएगा ना, जब हाँ बायोलॉजी का सेशन हम स्टार्ट करेंगे तब आपको क्लियर करेंगे, तब आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना हमने समझाया, समझ में आया, बहुत अच्छे। क्यों, कोल्ड ड्रिंक वाला हेडिंग क्लियर। अब हाई प्रेशर पर क्या हो जाता है, हाँ, पानी में ऑक्सीजन का मिलना। देखो पानी में ऑक्सीजन का मिलना ये प्रेशर की वजह से होता है। अब कैसे, आपने देखा होगा अगर आप एक्वेरियम लियो मछली पालने के लिए, एक्वेरियम कभी अपने घर पे रखे होगे तो उसमें देखे होगे कि ऑक्सीजन पानी में घोलने के लिए एक ट्यूब वाली छोटी सी मशीन आती है, जिसको आप जिसका ट्यूब अगर अंदर डाल दो तो उसमें से बुलबुले, हवा के बुलबुले निकलते रहते हैं, और कहा जाता है कि इससे क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घुल जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। ऐसा हो कैसे गया, देखो ऑक्सीजन को पानी में डिजॉल्व होने के लिए 750 mmHg प्रेशर की जरूरत होती है, जबकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg, है ना, है कि नहीं। मतलब आपका जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जो इस समय इस कमरे में भी पड़ रहा होगा, है कि नहीं, तो उतना प्रेशर ऑक्सीजन को पानी में डिजॉल्व करने के लिए काफी होता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व हो जाती है कितने, लगभग 750 mmHg, इसीलिए नदियों में जो मछलियां होती हैं वो सांस ले पाती हैं, है ना, इसीलिए नदियों में जो मछलियां होती हैं वो सांस ले पाती हैं। और अगर हम क्या करते हैं, कभी आप पानी गर्म किए हो, पानी गर्म करने के बाद देखे होगे पानी के अंदर, सॉरी बर्तन के अंदर उसके बॉटम में छोटी छोटी पानी की बुलबुली इकट्ठा हो जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं नग जैसे, है ना, जैसा लगता है किसी प्रकार का स्टोन अंदर लगा दिया गया हो, चमकते हुए दिखते हैं बुलबुले। वो बुलबुले कैसे आए, क्योंकि जो पानी में डिजॉल्व गैसेस थी वही तो अंदर है, जो बॉईल करने पर पानी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा,
है कि नहीं? तो अब हम आते हैं लो प्रेशर पर। हाँ, थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट एक बार और देख लो। मान लो हमें दो प्रकार की कोई लिक्विड्स हैं, दो प्रकार की लिक्विड्स हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है ना, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन दोनों ऐसे लिक्विड्स हैं, मतलब ऐसे केमिकल्स हैं जिनको अगर आप 100 डिग्री या उनके बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम गर्म करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म करते हैं, तो दोनों में से कोई एक केमिकल खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग लिक्विड है तो उनका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा, है कि नहीं? तो अगर हम किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर उसको गर्म करते हैं तो दूसरा वाला लिक्विड खराब हो जाएगा, दूसरा वाला केमिकल खराब हो जाएगा, हमारे काम का नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? तो ऐसी कंडीशन में हम लो प्रेशर चेम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, देखो हाई प्रेशर चेम्बर का इस्तेमाल करता, फिर इसको हटा देते हैं। अब लो प्रेशर चेम्बर भी कुछ इसी तरह से होगा, जिसको हम वैक्यूम चेम्बर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हवा निकाल देने पर अंदर वैक्यूम बन जाता है, ठीक है, खाली स्थान, जिसकी वजह से हवाएं क्या होती हैं, देखो हाई प्रेशर एयर में ठूस ठूस कर हवा भरी जाती है, जिसकी वजह से हवा बहुत पास 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 होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका वजन भी बहुत अधिक होगा और काफी मात्रा में हवा रहेगी तो प्रेशर भी अधिक होगा। अब लो प्रेशर एयर में क्या होता है, लो प्रेशर चेम्बर में हवाओं को काफी कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक हवा यहाँ, एक हवा यहाँ यहाँ, तो ऐसे में उनका वजन भी होगा, क्या होगा, उनके द्वारा लगने वाला जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा, तो इसीलिए इसको लो प्रेशर चेम्बर कहा जाता है। अब लो प्रेशर चेम्बर में क्या किया जाएगा, जब इस लिक्विड को, मान लो केमिकल को रख दिया, ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में अगर हम इसका प्रेशर कम कर देते हैं तो हम जानते हैं अगर हम इसका प्रेशर कम करेंगे तो इन दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, है ना, दोनों लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जब कम हो गया, है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तब अगर हम इस लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो, है ना, लिक्विड से गैस में कम टेम्परेचर पर ही चेंज हो जाएंगी, क्या, लिक्विड से गैस में कम टेम्परेचर पर ही चेंज हो जाएंगी, जो पहले अपने बॉइलिंग पॉइंट पर चेंज हो रही थी, है ना, अभी भी बॉइलिंग पॉइंट पर चेंज होगी क्योंकि हमने प्रेशर कम कर दिया है, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर का अंतर होगा, पहले मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो रही थी, तो अब यहाँ पर अगर हम आधा एटीएम का प्रेशर लगाए, कितना, आधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आधा, तो हो सकता है क्या, होगा, ये जो लिक्विड है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो, बॉइल हो जाए, इससे क्या होगा, जो दूसरा जो लिक्विड होगा, जो दूसरा केमिकल होगा वो खराब नहीं होगा। इस तरह से हम अपने मनचाहे केमिकल को क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सब्लिमेशन आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तब भी जान लो सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन में एक प्यारी सी लाइन लिखी होती है कि अगर कोई सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में बदले गैस में सीधा चेंज हो जाता है, क्या, अगर कोई सॉलिड बिना लिक्विड कंडीशन में चेंज हुए, लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, वो क्या हो, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। तो यहां पर हम सब्लिमेशन को कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कैसे, लो प्रेशर चेम्बर से, अभी बताते हैं। देखो फैक्ट्रियों में कपड़े वाली फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्रियों में, ये सब ऑप्शन फैक्ट्रियों के थे ना, तो फैक्ट्रियों में कपड़े वाली फैक्ट्री, देखो बहुत से ऐसे मार्केट में कपड़े आते हैं जिनके जो फाइबर्स होते हैं, कहा जाता है कि कपड़ों पर पसीने का असर नहीं होगा, क्योंकि जो प्योर कॉटन होता है, अगर आप कॉटन के कपड़े पहनते होगे तो आप जानते होगे कॉटन की अच्छाई भी होती है, बहुत सी बुराइयां भी होती हैं, बुराइयां ये कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है पसीने से, है ना, और थोड़ा ज्यादा डिटर्जेंट अगर लग जाता है तो इस पर, तो ये इसकी कपड़े बहुत जल्दी छोटे पड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, होता है ना ये सब, इसी को बचाने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी कपड़े आते हैं जिन पर पसीने का असर नहीं होता है, जिनको धोने पर क्या होंगे, वो एक तो जल्दी सूख जाते हैं, दूसरी बार उनके ऊपर डिटर्जेंट का हार्मफुल असर भी नहीं होता है ना। तो ऐसे में क्या किया जाता है, वो जो कपड़े की जब धागे बनाए जाते हैं उनको एक प्रकार के लिक्विड वैक्स से डुबो कर निकाला जाता है, लिक्विड वैक्स मतलब मोम, ठीक है, वो एक प्रकार का पैराफिन मोम जैसा ही मटेरियल होता है जो पेट्रोलियम से मिलता है। अब क्योंकि जब धागों को वैक्स के अंदर से डुबो कर निकाला जाएगा तो धागों पर मोम की एक परत जम जाएगी, है ना, अब उन धागों से जब एक सीट मतलब एक कपड़े को जब बीना जाता है तो ऐसी कंडीशन में जब वो कपड़े की जो पूरी सीट होगी उस पर बहुत मोटी मोम की परत आ जाती है ना। अब मोम की परत जब आ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में जो वो
चादर होगी, कहने का मतलब वो जो कपड़े की जो प्लेट होगी उसका जब रोल बनाएंगे तो उस पर काफी ज्यादा मोम होगा, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या होता है, उसको मार्केट में नहीं भेजा जा सकता, उसका इस्तेमाल कपड़े बनाने में नहीं किया जा सकता, तो मोम की परत किसी न किसी प्रकार कम करनी होगी। तो मोम की परत कम करने के लिए तो होता क्या है, ऐसी कंडीशन में देखो, ऐसी कंडीशन में ज्यादातर ये जो मोम की कोटिंग हुई ये ऐसे कपड़ों पर की जाती है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा जल्दी खराब होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो मोम की कोटिंग करने की वजह से उनकी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे कपड़ों में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाने पर ये कपड़े खराब भी हो जाते हैं, क्योंकि हमको जो पैराफिन सॉरी जो वैक्स है, ठीक है, जो मोम की परत है उसको भी हटाना है, उसको भी हटाना है ताकि वो कम हो जाए और कपड़े को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ऐसे में हम उसको क्या करते हैं, वैक्यूम चेम्बर के अंदर रख देते हैं, ठीक है। वैक्यूम चेम्बर के अंदर रखने के बाद उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, वैक्यूम चेम्बर के अंदर एक स्लाइड पर हम कपड़ों को रख देते हैं, कपड़े के रोल को। अब क्योंकि ये टेबल धीरे धीरे गर्म होती है ना, तो टेम्परेचर धीरे धीरे पहुंचता जाएगा। मान लो ये कपड़ा 80 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस पर खराब हो जाएगा, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पर इसके जो पॉलीमर्स है, ठीक है, वो खराब हो जाएंगे, और जो हमारा पैराफिन मोम है, जो पैराफिन वैक्स है, इसके अंदर जो वैक्स इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, वो लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पर ही वो क्या होगा, वेपर में चेंज होगा और अलग होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हम इसका इसके अंदर का प्रेशर इतना कम कर दें कि जो हमारा वैक्स है, ठीक है, जो हमारा वैक्स है वो लगभग 80 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ही ये क्या हो, वेपर में चेंज हो जाए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, वैक्स इतना प्रेशर इतना कम करते हैं कि ये जो वेपर है, सॉरी जो हमारा वैक्स है वो आसानी से 80 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है गर्म होकर। अब वेपर में चेंज हो जाता है तो बहुत तेजी से उसको बाहर निकाल कर अलग से ठंडा करके, जो ज्यादा मोम होता है, जो ज्यादा वैक्स होता है, उसको ठंडा करके दोबारा यूज कर लिया जाता है। अब क्योंकि कपड़े पर जितना हम चाहेंगे उतना ही वैक्स की मात्रा मौजूद रहेगी, तो ये कपड़े की क्वालिटी भी बनी रही और कपड़ा भी सही रहा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लो प्रेशर चेम्बर का भी यूज करते हैं। अब कोई हेडिंग बची है, हाँ एक और हेडिंग है, स्पेस फूड। देखो स्पेस फूड क्या होता है, स्पेस में जो यात्री लोग जाते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो ऐसे में उनको जो खाने दिए जाते हैं, जो फूड दिया जाता है, उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी वेजिटेबल हो, कोई भी सब्जी हो, तो उनका उनके वजन का लगभग 70 से 80% उसमें क्या होता है, पानी का वजन होता है, सॉरी 80%, ठीक है, 70 से 80% कोई भी सब्जी हो। मान लो एक गाजर या मूली ले लो, तो गाजर या मूली अगर 1 किलो है तो समझ लो 1 किलो का उसमें 70 से 80% क्या होगा, पानी होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक तो वो रॉकेट में अलग से पानी ले जाएंगे, और दूसरी बात यहाँ पर वो खाने का सामान भी रखेंगे तो वजन बहुत अधिक हो जाएगा, है ना, और रॉकेट में बहुत ज्यादा वजन अगर ले गए तो रॉकेट की जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है ना, या हो सकता है किसी प्रकार का एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाए ज्यादा वजन होने की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में भी वैक्यूम चेम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर कैसे, देखो वैक्यूम चेम्बर में क्या किया जाता है, एक अवन जैसा ही होगा, जैसे आप माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हो, ठीक उसी तरह चौकोर सा क्या होगा, एक चेम्बर होगा, चौकोर सा चेम्बर होगा। अब इस चेम्बर में क्या करते हैं, फूड्स को जो भी है, गाजर मूली टमाटर है जो भी, उसको काट काट के काफी पतला छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, स्लाइड पर बिछा कर रख देते हैं। अब क्योंकि नीचे की प्लेट जब धीरे धीरे गर्म होती है तो टेम्परेचर पहुंचेगा यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर जब प्रेशर एरिया प्रेशर क्या करते हैं, बहुत तेजी से निकाल कर लगभग 0.06 ATM कर देते हैं, क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी बहुत कम, बहुत कम, इतना कम कर देंगे कि ये हल्के से नॉर्मल समझ लो हमारे जितना बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर पर भी इन सब्जियों के अंदर से क्या होगा, वाटर वेपर में बदल जाएगा। अब वाटर को बहुत तेजी से ये अलग करके क्या करते हैं, उनको ठंडा करके दोबारा अलग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वाटर वेपर इसके अंदर रह गया वो दोबारा मॉइस्चर के फॉर्म में सब्जियों को खराब कर देगा। इससे दो चीजें होती हैं, एक सब्जी का वेट, जो सब्जी है उसका वेट बहुत कम हो जाता है, एकदम हल्का है ना, कितना हल्का, 70 से 80% हल्का, समझ लो पहले वो 1 किलो था, तो 70 से 80% अगर कम कर दिए तो
तो अब हो सकता है वही सब्जी 100 से 200 ग्राम हो, है ना। तो इसी तरह अब यहां से क्योंकि पानी भी अलग कर दिए हैं, पानी की नमी इसके अंदर है ही नहीं, मॉइस्चर है ही नहीं, तो ये सब्जियों की जो लाइफ टाइम होती है, जो ये खाना बना इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। क्योंकि खाना खराब कब होगा, जब उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे हैं, मॉइस्चर बना रहेगा तो बैक्टीरिया लग जाएंगे उसमें आसानी से, है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, इसका लाइफ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरी बात इसको काफी लंबे समय तक स्टोर करके भी रखा जा सकता है, और तीसरी बात इसका वेट भी कम हो जाता है। बहुत बढ़िया। इसका एक एग्जाम्पल आप देखे होंगे, मैगी खाए हो, है ना। तो कभी ना कभी ये देखा होगा, जो मैगी मसाला होता है उसको जब आप मैगी में डालते हो, है ना, तब वो जब गर्म पानी पाता है तो फूल कर उसमें छोटे छोटे गाजर के टुकड़े आ जाते हैं। कभी अगर ध्यान लिया हो तो आपको पता चलेगा, या नहीं ध्यान दिया है तो जाकर देखो, जो मैगी सब्जी मसाला होता है या पतंजलि वाली जो मैगी आती है ना, जो सॉरी नूडल्स जो आता है, ठीक है, मैगी कहने की इतनी आदत है, हर चीज का नाम मैगी रख दी है, पतंजलि वाला भी मैगी। तो उसका जब मसाला आप फाड़ कर डालते हो पानी में, तो उसमें भी देखो देखोगे कि छोटे छोटे गाजर के टुकड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे सब्जियों के टुकड़े आ जाते हैं, है ना। वो टुकड़े आए कहाँ से, वो टुकड़े इसी तरह से सुखाए गए होंगे, सुखाने की वजह से क्या होता है, उनका आकार छोटा हो जाता है पहले से, और वो काफी हल्के हो जाते हैं, जिससे वो आसानी से पैक किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर द्वारा वैज्ञानिकों ने प्रेशर का यूज किया। अच्छा लगा ना। अब आखिरी हेडिंग है क्या, इंजन। इंजन जी हाँ, यहाँ पर प्रेशर का यूज, देखो प्रेशर का यूज हम लोग इंजन बनाने में भी करते हैं। कैसे, किसी भी प्रकार का इंजन। पहले क्या हम लोग जानते थे ना कि पहले स्टीम वाले भाप से पानी से चलने वाले इंजन थे, इसमें होता क्या था, एक टैंक होता था, एक क्या एक टैंक होता था, इस टैंक में पानी भर देते थे। मान लो ये इंजन 80, कितना, 80 PSI पर चलने वाला है, 80 PSI पर चलने वाला है। तो यहाँ पर टैंक में क्या करते थे, जो पानी था उसको इतना गर्म करते थे कि उसके द्वारा जो वेपर बने, वेपर का जो प्रेशर बने वो लगभग 80 PSI तक पहुंच जाए, कितना, 80 PSI तक। तब यहाँ पर जो वाल्व उसको खोलते थे, वो वाल्व जाता था एक सिलेंडर में, हाँ एक सिलेंडर में, और सिलेंडर में एक शिफ्ट लगी होती थी, ठीक है, क्या पिस्टन लगा होता था। अब क्योंकि जैसे ही गैस इसके अंदर बहुत तेजी से, जैसे ही वाल्व खुलेगा, पिस्टन के अंदर क्या होगा, धक्का लगेगा, गैस भराएगी तो धक्का, पिस्टन आगे बढ़ेगा। अब ये देखो हम खिलौने वाला इंजन बता रहे हैं, ठीक है, अब तो ये इंजन मत समझना। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा देते थे ताकि जब पिस्टन आगे बढ़े प्रेशर से, ठीक है ना, जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो स्प्रिंग पर क्या होगा, स्प्रिंग क्या करेगी, पिस्टन को पीछे लगाई लाएगी और जो गैस होगा, गैस उसको आगे ढकेलेगा, आगे ढकेलने की वजह से यहाँ पर एक व्हील लगी होती है ना, इस व्हील में ये पिस्टन जुड़ा होता है। अब जैसे ही ये पिस्टन गैस भरने की वजह से, गैस की वजह से पिस्टन आगे गया तो व्हील को ऐसे ढकेलेगा, है ना। फिर दोबारा क्या होगा, पिस्टन जैसे ही आगे जाएगा तो यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर देते हैं, छेद की वजह से जैसे ही पिस्टन यहां तक पहुंचा, छेद की वजह से गैस बाहर निकल जाएगी, और गैस बाहर निकल जाएगी तो पिस्टन के अंदर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग होगी वो दोबारा पीछे तक तुरंत आ जाएगी। फिर आगे प्रेशर बना, फिर पिस्टन आगे गया, फिर जैसे गैस निकल गई तो पिस्टन का जो पावर है वो काम करेगा, इसका स्प्रिंग का, तो दोबारा पिस्टन पीछे आ जाएगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो व्हील होगी वो घूमने लगेगी, और इस व्हील को घुमाने के लिए अगर स्प्रिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ओरिजिनल जो इंजन होता है, जो असली इंजन होता है, उसमें बैलेंसर का यूज करते हैं, एक तरह का क्रेन शाफ्ट होता है, वो कुछ इस तरह से बैलेंस लगा होगा, देखो वो कुछ इस तरह से होगा, और इंजन इस तरह से जुड़ा होगा, इस तरह से दूसरी व्हील इसके पीछे से जुड़ी होती है। अब ये इस तरह से देखो, ये भार लटका क्यों होता है, जब इंजन का पिस्टन इसको आगे ढकेलता है तो ये जो भार है, ये नीचे वाला जो बड़ा सा एरिया है, ये ऊपर आ जाता है। अब क्योंकि जब इंजन आगे बढ़ गया है ना, इसका प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो ये भार क्या होगा, वो नीचे आना जाएगा। अब ये जब नीचे आएगा तो ये पिस्टन को वापस अंदर की ओर ढकेल देगा, है ना, अपने आप, क्यों, क्योंकि कोई भी भारी चीज क्या होगी, नीचे आना चाहेगी। फिर ये पिस्टन में जब जैसे ही गैस बढ़ जाएगा, ये पिस्टन आगे भागेगा तो ये जो भार होगा ये दोबारा ऊपर आ जाएगा,
ध्यान से देखो, इस इंजन में देखो थोड़ा काले रंग का इंजन है, लेकिन इसके पास एक बैलेंसर, इस टाइप का बैलेंसर लगा हुआ है कि नहीं, है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। तो इस तरह से हम देखो यहां पर भी किस प्रेशर का यूज कर रहे हैं, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, है कि नहीं? अब बात आ गई इसको कैलकुलेट कैसे करते होंगे, है ना? इतना लंबा चौड़ा हमने भाषण दे दिया है, लेक्चर, कहा कि 80 PSI का मान लो इतना प्रेशर लगाना है, तो बताओ कि हमको इसका टेम्परेचर कितना करना होगा, ये तो हम कैलकुलेशन द्वारा ही पता कर पाएंगे, है कि नहीं? कि अगर हमको इस वेपर का प्रेशर 80 PSI करना होगा, तो पानी को कितना गर्म करना होगा? पानी को गर्म करने के लिए हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है ना। हाँ, तो टेम्परेचर कितना होगा, ये लगभग 544 डिग्री होगा लगभग। हाँ, अभी देखो हम कैलकुलेट करना भी बताते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब बात आ जाती है कि किस तरह से हमने बताया कि इसके अंदर लगभग 80 PSI या इतना प्रेशर हो जाए तो उसका टेम्परेचर ये हो जाएगा, है ना? तो इसको देखो प्यारे से फॉर्मूले द्वारा आप समझ सकते हो। कैसे? हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जब ये किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, क्या वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तभी कोई लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है, मतलब उबलता है, मतलब उसकी स्टेट चेंज होती है, वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है। तो आप कह सकते हो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मान लो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 7 है, हाँ 7 मान लो समझने के लिए, तो वेपर प्रेशर भी 7 होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 8 है तो ये भी 8 ही होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, है कि नहीं? लगभग दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, है ना? तो इस तरह से, क्योंकि वेपर प्रेशर से ही हम कह सकते हैं किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तय होता है। वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तभी किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के लगभग प्रोपोर्शनल है ना? कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। देखो इस ये प्यारा सा फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूले में ये चीज क्या, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, कहने का क्या मतलब है, ये बदलेगा नहीं। अब हमें किसी भी चीज की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से उसको क्या करना है, कंपेयर कर देना है, तुलना कर देनी है। अब कैसे, देखो मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 14.69 PSI हम PSI में मेजर करते हैं, जो ज्यादातर क्योंकि PSI इस्तेमाल होता है। पास्कल में तब करोगे जब आप लैब में कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना? समझने के लिए हम PSI का इस्तेमाल लेते हैं, नहीं तो आप पास्कल भी ले सकते हो, क्योंकि पास्कल काफी बड़ी यूनिट है, तो बताने में काफी ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो PSI देख लो, है ना? मान लो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 14.69 PSI, और वाटर, याद रखो जिस भी लिक्विड का आपको टेम्परेचर इतना टेम्परेचर, तो उसका प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर, तो उस लिक्विड का ही यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लिखोगे, ठीक है? यहाँ पर हम किस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, पानी। मान लो पानी को अगर हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गर्म किया है, उबाला, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हुआ। अगर अगर हम क्या करते हैं उसको 5 PSI पर, कितना, 5 PSI पर क्या करते हैं, अब देखो 5 PSI, PSI हमने क्या किया, कम कर दिया। अब प्रेशर कैसे कम किया होगा, लो प्रेशर चेंबर से, है ना? देखो यहां पर एक सवाल और उठता है कि इतने बड़े बड़े चेंबर हमने बताए, कि हमेशा बड़े ही चेंबर का इस्तेमाल में क्या नहीं करते, नहीं, छोटे छोटे चेंबर, क्योंकि अगर लैब ज्यादा बड़ा ना हो तो स्कूलों में, बहुत से स्कूलों में जो स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी स्कूल होंगे, ठीक है, तो बहुत से स्कूलों में चेंबर्स रखे जाते हैं कुछ इस तरह के। देखो छोटे से ये पहला वाला जो चेंबर है जो ऊपर से ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ठीक है, ये लो प्रेशर चेंबर है। हाँ, और ये दूसरा वाला जो चेंबर है ये हाई प्रेशर चेंबर है। हाँ ठीक है, ये दोनों प्रकार के चेंबर स्कूलों में भी या कॉलेज में, सॉरी स्कूल बोल दिए, कॉलेजेस में ज्यादातर रखे जाते हैं, ताकि आप इस पर अपना एक्सपेरिमेंट करके देख सको, ठीक है? तो यहां पर हमने क्या किया, PSI 14.69 से कम किया है 5 PSI। तो अब बताओ कि 5 PSI पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, तो आपको थोड़ी बहुत गणित तो आती होगी,
नहीं आती है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना। देखो तुलना करने के लिए, अब देखो वो दोनों चीजें अगर बटे में है ना, तो आप क्या करते होगे? तिरछा गुणा करना आता है, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू नहीं पता। क्या यहाँ पर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। हाँ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमें पता ही नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट हमको निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट को इधर ही छोड़ो, इसको उठाकर इधर पटक दो है ना, इसको बराबर की दूसरी तरफ पटकोगे तो क्या होगा? ये देखो बटे में है, बटे का मतलब भाग होता है, हाँ डिवीजन होता है। तो इसको जब दूसरी तरफ पटकोगे तो क्या होगा? ये जो सिंबल है डिवाइड का, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अगर देखो प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो इसको जब यहाँ पर पटकोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 100 × क्या, 5 PSI डिवाइड बाय, ये नीचे लिख दो है ना, ये आ जाएगा 14.69 PSI है ना। अब इनका जब आपस में गुणा कर दोगे तो क्या आएगा? 500 डिवाइड बाय 1469 है ना। अब इसको भी सॉल्व कर दो तो आएगा 34। अब ये आया क्या? ये आया हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर हम वैक्यूम चेंबर में पानी डालकर उसका PSI कितना, हवा निकालते निकालते 5 PSI कर दें, तो हमारा लिक्विड लगभग 34 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? बॉइल हो जाएगा। समझ आया? बहुत अच्छे। अब देखो इसी तरह से जो इंजन वाला हमने सवाल बताया था वो भी हल होता है। कैसे? हमने क्या कहा था कि 80 PSI हमको करना है, 80 PSI पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए है ना। तो 80 PSI यहाँ पर रख दोगे। अब देखो 80 PSI यहाँ पर प्रेशर क्या कर रहे हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर आ रहे हो, मतलब कौन से चेंबर का इस्तेमाल हो रहा है? हाई प्रेशर चेंबर, ठीक है, 80 PSI। अब 80 PSI को भी इसी तरह से करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? तिरछा ही गुणा होगा तो 80 आएगा, है कि नहीं, है ना। तो इसी तरह से कुछ होगा। अब भाग करके आप पता कर सकते हो कि आपके पानी का टेम्परेचर, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है जिस पर वो वेपर बन जाता है, वो उसका जो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होगा, ठीक है, जब आप 80 PSI पर कर देते हो। अब PSI कैसे मेजर करोगे? हमने बताया था ना एक घड़ी जैसा उसमें इक्विपमेंट लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? PSI मीटर, हाँ, या प्रेशर मीटर, जो प्रेशर को मेजर करता है कि नहीं। तो इस तरह की प्यारी सवाल, याद रखो आप इसको, याद रखो जिस भी लिक्विड की तुलना करनी है उसका बॉइलिंग पॉइंट रख दो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा यही होगा। हाँ आप PSI की जगह बार का, पास्कल का, किलो पास्कल का, जैसे भी इस्तेमाल करना चाहो, जो भी यूनिट आप यहाँ पर रख दो और उसकी तुलना इसी तरह करना, ठीक है, इसी तरह से करना। और इसी तरह से करते हुए अगर आपको अच्छा लगा तो हाँ कम से कम 2 या 3 सवाल, हाँ 2 या 3 सवाल बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमको अच्छा लगेगा, ताकि हमको ये भी लगे कि हाँ आपको कुछ नया सीखने को मिला या आपको वो समझ में आया, ताकि ये इतनी जो मेहनत की जा रही है ये सफल है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो प्लीज, क्योंकि क्लास 9 के जितने भी लेक्चर हैं, देखो क्लास 9 के लेक्चर्स हम थोड़े एडवांस करके डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो बुक्स में बहुत चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाती हैं है ना, या तो बुक पढ़ने में बहुत बोरिंग लगती है या तो बहुत सारी चीजें उसमें मिस कर दी जाती हैं। तो इसीलिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा नेट पर सर्च कर करके बनाई गई है, तो ऐसे में थोड़ा सा अगर मेहनत दिख रही हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।